दोस्तों इंसान के शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है। वैसे तो आपने भी अक्सर बड़े बुजुर्गों के मुंह से बात सुनी होगी कि हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? अगर नहीं तो हम बताते हैं खड़े होकर पानी पीने से शरीर को कितना नुकसान होता है। आयुर्वेद के मुताबिक जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पेट की दीवारों पर जरूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी भोजन नलिका से सीधे पेट में पहुंच जाता है, जिससे पेट के आसपास के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खड़े होकर पानी पीने के दौरान पानी के पौष्टिक तत्व शरीर द्वारा अब्जर्व नहीं हो पाते और इन पौष्टिक तत्वों को शरीर अस्वीकार कर देता है। ऐसा अगर बार बार होता है तो इससे पाचन तंत्र की फंक्शनिंग प्रभावित होती है। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बिना किडनी से छने सीधे बह जाता है। इससे किडनी और मूत्राशय में गंदगी रह जाती है, जिससे मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन या फिर किडनी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। पानी पीने का तरीका और शरीर के पोस्चर यानी मुद्रा का आपस में गहरा संबंध है। खड़े होकर पानी पीने के दौरान उत्पन्न होने वाले हाई ब्लड प्रेशर का असर शरीर के संपूर्ण बायोलॉजिक सिस्टम पर पड़ता है, जिससे जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा खड़े होकर पानी पीने से शरीर के जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे आर्थराइटिस की समस्या जन्म लेती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खड़े होकर पानी पीने से फेफड़ों को भी नुकसान होता है। दरअसल जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो फूड पाइप यानी भोजन नलिका और विंड पाइप यानी श्वसन नलिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर ऐसा बार बार होता है यानी अगर आप नियमित रूप से खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे फेफड़ों और हृदय रोग होने का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। बैठकर पानी पीने के दौरान पानी का फ्लो धीमा रहता है, शरीर पानी को आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है और शरीर की तंत्रिकाएं रिलैक्स्ड रहती हैं। जब पानी का प्रेशर शरीर में तेज होता है तो तंत्रिकाओं में प्रेशर बढ़ जाता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि जिस पोजीशन में आप पानी पीते हैं उसका भी आपकी सेहत पर असर पड़ता है। आपके बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि पानी बैठकर शांति से पीना चाहिए। इसके कारण ये है कि बैठने पर हमारी मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे पानी पीने से शरीर को फायदा मिलता है। वहीं कई लोग जल्दबाजी में खड़े होकर और चलते फिरते ही फटाफट गटक कर पानी पी जाते हैं। हमें पानी को हमेशा बैठकर धीरे धीरे करके पीना चाहिए, मतलब कि घूट घूट करके पीना चाहिए। अगर हम इस तरह बैठकर घूट घूट कर पानी पीते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारे हर घूट में मुंह की लार पानी के साथ घुलकर हमारे पेट में जाएगी और पेट में बनने वाले अमल को शांत करेगी। हमारी लार क्षारीय और बेहद मूल्यवान होती है। हमारे पित्त को संतुलित करने में यह क्षारीय लार बहुत मददगार साबित होती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारी लार में लुगदी बनकर हमारी आहार नली के जरिए आमाशय में जाता है और वहाँ जाकर वो पित्त के साथ मिलकर हमारी पाचन क्रिया को पूरा करता है। इसलिए मुंह की लार ज़्यादा से ज़्यादा पेट में जानी चाहिए, जिसके लिए हमें पानी धीरे धीरे घुट घुट करके और बैठ कर पीना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने घुटनों के दर्द से बचा जा सकता है। कभी भी घर के बाहर से वापस आने पर जब शरीर गर्म होता है या सांस तेज चल रही हो तो थोड़ा सा रुक कर जब शरीर का तापमान ठीक हो जाए तभी पानी पीना चाहिए। खाना खाने से कम 1.5 घंटा पहले पानी जरूर पी लें, इससे खाना खाते वक्त प्यास नहीं लगेगी। सुबह से उठते ही सबसे पहले बासे मुंह बिना धोए या ब्रश किए हुए कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पी लें। इससे यह लाभ होगा कि रात भर से हमारे मुंह में जीवाणुनाशक लार बनती है, वो सब पानी के साथ हमारे पेट में जाकर हमारी पाचन तंत्र को बीमारी से मुक्त कर देती है। सुबह उठते ही मुंह की बासी लार आँखों पर लगाने से आँखों की रोशनी और काले घेरों के लिए बहुत फायदेमंद है। रोजाना कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पिए। किडनी पथरी ना बने इसके लिए ये जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीने और अधिक मात्रा में हो सके तो मूत्र त्याग करें। तो दोस्तों ये थे बैठकर पानी पीने के फायदे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें मेडिकल अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।